वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एडवांस विथ नोटपैड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हाउ टू ओपन नोटपैड, पार्ट ऑफ नोटपैड विंडो, मेकिंग डॉक्यूमेंट विथ नोटपैड, एडिटिंग इन नोटपैड, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग नोटपैड, चेंज फॉन्ट एंड चेंज फॉन्ट साइज, सेव एंड ओपन फाइल। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे एडवांस विथ नोटपैड, यानी हम नोटपैड में कुछ एडवांस जो टेक्निक है वो पढ़ेंगे और उसमें हम कैसे नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड में कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें एडिटिंग करेंगे, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग करेंगे, चेंज फॉन्ट एंड चेंज फॉन्ट साइज, सेव करेंगे एंड ओपन करेंगे फाइल, ये सारा जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में नोटपैड ओपन करना सीख गए हैं और उसके कितने पार्ट है, उसमें हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो सब कुछ तो आप सीख गए हो। आपके लिए नया है कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, चेंज फॉन्ट एंड चेंज फॉन्ट साइज, सेव एंड ओपन फाइल। ओके, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। As we know, Notepad is basic text editor that you can use to create simple document. हम सब जानते हैं कि ये जो Notepad है वो एक basic text editor है, उससे हम एक simple document create कर सकते हैं। The most common use for Notepad is to view or edit text file. Not common use जो है वो है हम जो text file है वो edit कर सकते हैं और view कर सकते हैं Notepad में। The brief discussion is the given below about Notepad. Notepad. Briefly हम discussion करेंगे Notepad के बारे में आगे। उसमें सबसे पहले यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, How to open Notepad? हम Notepad कैसे open करते हैं? You can open Notepad by using following steps: by using desktop Notepad icon, by using start button. Two way है हम Notepad open करेंगे। हम दो तरीके से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। पहला है हम डेस्कटॉप पे नोटपैड का जो आइकन है वहां से कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो है हम स्टार्ट बटन से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। बाय यूजिंग डेस्कटॉप नोटपैड आइकन, हम यूजिंग करेंगे नोटपैड का जो आइकन होता है डेस्कटॉप पे उसका। तो फर्स्ट है, जस्ट फाइंड आउट द नोटपैड आइकन ऑन डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक ऑन इट। हम पहला वे है जो हमारा, हम नोटपैड का आइकन है वहां से हम नोटपैड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो आइकन है वहां पे हमें डबल क्लिक करना है, तो हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। अभी हम दूसरा जो तरीका है नोटपैड ओपन करने का वो यूज करेंगे, बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन से भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक द स्टार्ट मेनू। हमें क्या करना है, स्टार्ट मेनू जो है हमारे डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट मेनू है, वहां पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद जो एक विंडो खुलेगी उसमें हमें स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, उसमें हमें ऑल प्रोग्राम्स जो है वहां पे क्लिक करना है। सबसे पहले स्टार्ट मेनू, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद है क्लिक द एसेसरीज फोल्डर। क्या करना है हमें, यहाँ पे जो एसेसरीज का फोल्डर है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें क्लिक करना है। और उसके बाद है स्टेप 4, क्लिक ऑन द नोटपैड आइकन, उसके अंदर हमें नोटपैड आइकन जो है उसमें क्लिक करना है। ये सभी आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया है ना, आप सभी को याद भी होगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एसेसरीज, और उसके बाद हमें नोटपैड का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन होने के बाद कैसा दिखेगा वो हमें इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड विंडो में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड विंडो। आपका नोटपैड जब ओपन हो जाएगा, आप दोनों में से कोई तरीका यूज करके नोटपैड ओपन करोगे, या तो स्टार्ट बटन से, या तो आपका जो आइकन है उससे आप नोटपैड ओपन करते हो, तो आपका नोटपैड ओपन होने के बाद ऐसा दिखेगा। उसमें सबसे जो पहले वाली लाइन है उसको हम कहेंगे टाइटल बार, दूसरी जो लाइन है उसको कहेंगे मेनू बार, जो टाइटल बार है उसके राइट साइड 3 बटन होते हैं उसको हम कहेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, कंट्रोल बटन, याद है ना, ये सभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। और ये जो व्हाइट स्पेस है उसको हम कहेंगे वर्क एरिया, जहां पे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाली लाइन है वो टाइटल बार,
दूसरी है वो मेनू बार, यहाँ पे जो है थ्री बटन उसको हम कहेंगे कंट्रोल बटन, और ये वर्क एरिया। ओके, देर आर फोर मेन पार्ट ऑफ नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो में फोर मेन पार्ट है, फर्स्ट टाइटल बार, कंट्रोल बटन, मेनू बार और वर्क एरिया। उसके बाद है टाइटल बार, फर्स्ट टाइटल बार, द टाइटल बार कंटेन नेम टाइटल ऑफ द नोटपैड फाइल। जो टाइटल बार है वो कंटेन नेम, नेम जो है उसको दिखाता है, नोटपैड फाइल का जो नेम है वो दिखाता है। कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन आर यूज टू कंट्रोल द नोटपैड विंडोज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो कंट्रोल बटन है उसको यूज करेंगे हम नोटपैड विंडो में अलग अलग तरीके से, डिफरेंट पर्पस। देर आर थ्री कंट्रोल बटन सिचुएटेड एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार विच नेम इज बिलो। जो राइट साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंट्रोल बटन है, उसका नेम है एक का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये तीनों के नेम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में। कंट्रोल बटन जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड की विंडो को अलग अलग तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, उसका डिफरेंट पर्पस है ये तीनों बटन का, हम डिफरेंट तरीके से नोटपैड विंडो को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको तीनों बटन दिखाई दे रहे हैं, ये है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। देर आर थ्री कंट्रोल बटन इन द नोटपैड विंडो। थ्री कंट्रोल बटन होते हैं नोटपैड विंडो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज बटन टू मिनिमाइज द नोटपैड विंडो। जो मिनिमाइज बटन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मिनिमाइज बटन है वो नोटपैड है, नोटपैड विंडो जो है उसको मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करके वो कहाँ जाता है, आप अगर यह नोटपैड विंडो में ये मिनिमाइज का बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो नोटपैड विंडो है वो स्टार्ट बटन होती है ना, उसके बाद हमारी जो एक लाइन जैसी दिखती है वहां पे आपकी ये जो मिनिमाइज, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी जो नोटपैड विंडो जो है वो वहां पर चली जाएगी, वापिस वहां से आप एक बार क्लिक करोगे तो वापस ओपन हो जाएगी। मैक्सिमाइज बटन टू मैक्सिमाइज द नोटपैड विंडो। अगर नोटपैड विंडो को मैक्सिमाइज करनी, बड़ी करनी है तो आप मैक्सिमाइज बटन का यूज कर सकते हो। और क्लोज बटन टू क्लोज द नोटपैड विंडो। जो क्लोज है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी नोटपैड विंडो को बंद कर सकते हैं। मिनिमाइज से हम मिनिमाइज कर सकते हैं नोटपैड विंडो को, मैक्सिमाइज से बड़ी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और क्लोज से हम विंडो को बंद कर सकते हैं। हम नोटपैड बंद करना है तो कौन सी बटन का यूज करेंगे, क्लोज बटन का। ओके, उसके बाद है हमारा थ्री मेनू बार। मेनू बार कंटेन सिलेक्टेड कमांड एंड ऑप्शन फॉर द नोटपैड। जो मेनू बार है वो सिलेक्टेड कमांड है, कुछ ऑप्शन है उस नोटपैड के, वो वहां पर हमें दिखाई देते हैं। नोटपैड मेनू बार कंटेन्स फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प मेनू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मेनू बार में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प जैसे कुछ डिफरेंट मेनू होते हैं, फाइव टाइप्स के मेनू होते हैं, वो वहां पर रहते हैं मेनू बार में होते हैं, और उसका वो डिफरेंट टास्क उसके, वो जो सारे हैं ये फाइव मेनू है उसका डिफरेंट टास्क है, कुछ अलग अलग ही काम है, वो सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसके बाद है वर्क एरिया। वर्क एरिया इज यूज टू मेक डॉक्यूमेंट। वर्क एरिया है वहां पे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। राइट द कंटेंट इन द वर्क एरिया टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। कुछ भी कंटेंट आप लिखोगे वर्क एरिया में तो उससे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मेकिंग डॉक्यूमेंट विथ नोटपैड। जो डॉक्यूमेंट है वो उसको हम कैसे बना सकते हैं, नोटपैड इज सिंपल टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, एंड हियर यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट योर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन वर्क एरिया। आप जब नोटपैड ओपन करोगे एंड हियर यू कैन डायरेक्ट इंसर्ट योर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन वर्क एरिया। आप डायरेक्ट क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप वर्क एरिया में क्लिक करोगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट ही अपना टेक्स्ट जो है, कुछ वर्ड है वो आप एडिट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, उसमें आप जाके एक बार क्लिक करोगे तो उसके बाद आप जो कुछ भी लिखना है आपको वो लिख सकते हैं। टू इंसर्ट टेक्स्ट क्लिक ऑन वर्क एरिया, यू विल गेट ब्लिंकिंग कर्सर, दिस शो दैट योर नोटपैड विंडो इज रेडी टू इंसर्ट टेक्स्ट। जब आप नोटपैड ओपन करते हो उसके बाद आप एक बार क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा कर्सर दिखाई देगा,
और वो ब्लिंक करता होगा। ओके, तो वो ब्लिंक करता हुआ कर्सर आपको दिखाई देगा जब, तो आपको समझ जाना है कि वो नोटपैड विंडो अभी रेडी है, हमें कुछ भी लिखने के लिए वो नोटपैड विंडो रेडी, हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जब ब्लिंक कर रहा है कर्सर तो आप कुछ भी लिख सकते हो। टाइप योर टेक्स्ट हियर, आपको अपना ऐसे टेक्स्ट कुछ भी आपको लिख सकते हो आप। उसके बाद है एडिटिंग नोटपैड, आपने नोटपैड के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। उसमें है नोटपैड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कट कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट, आप नोटपैड में कट कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हो। यू मेक योर वर्क इजी बाय कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, देर आर थ्री वे टू एडिट डॉक्यूमेंट विच इज गिवन बिलो। आप अपना वर्क को इजी कर सकते हो, आप अपना काम जो है वो इजी कर सकते हो कॉपी और पेस्ट का जो ऑप्शन है उससे। और उस थ्री टाइप है एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए थ्री टाइप से, कट कॉपी और पेस्ट। हमें कुछ भी एडिटिंग करना है तो हम कट कॉपी पेस्ट से एडिट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कट। दिस कमांड इज यूज टू मूव द लोकेशन ऑफ सिलेक्ट टेक्स्ट। जो कट है वो किसके लिए यूज होता है, अगर आपको कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, वो टेक्स्ट को आपको एक जगह से दूसरी जगह का लेके जाना है, तो आपको कट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। आप सिलेक्ट करोगे कुछ भी टेक्स्ट, उसको वहां से उठा के दूसरी जगह पर लेके रखना है, तो आपको कट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। कॉपी, दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द टेक्स्ट और पेस्ट समवेयर अकॉर्डिंग योर नीड। जो कॉपी है वो क्या कैसे काम करेगा, अगर आपको कुछ भी, आपने जो कुछ भी लिखा है वो सेम आपको दूसरी जगह पर भी चाहिए, तो आपको कॉपी कमांड का यूज करना पड़ेगा। दिस कमांड इज यूज टू पेस्ट कॉपी एंड कट टेक्स्ट। जो कमांड है पेस्ट कमांड है वो कट और कॉपी को पेस्ट करता है। उसके बाद है लेट्स प्रैक्टिस विथ कॉपी पेस्ट, हम करेंगे अभी प्रैक्टिस कॉपी और पेस्ट की। उसमें कुछ स्टेप्स है वो आपको याद रखना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपने कुछ भी लिखा है उसको आप कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या करना है, पहले कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में क्या होता है बच्चों, आपने ये लाइन लिखी है वो सेम लाइन आपको लिखे बगैर ही चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेम लाइन आपको ऐसे ही सेम लाइन आपको यहाँ पे दूसरी लाइन दूसरी बार चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ स्टेप है वो आपको याद रखने हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्या करना है, सबसे पहले जो आपने लिखा है जो भी आपको दूसरी बार चाहिए सेम उसको आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन एडिट मेनू, यहाँ पे फाइल और दूसरा मेनू है एडिट, उसमें आपको एडिट मेनू में जाना है, वहां पे एडिट मेनू पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, तीसरा स्टेप है हमें कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करो, एडिट मेनू पे क्लिक करो और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करो। स्टेप फाइव, गो टू द प्लेस वेर यू वुड लाइक द पेस्ट टेक्स्ट। फिर आपको क्या करना है, आपको जिस जगह पे पेस्ट करना है, यहाँ पे देखो आप जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसको क्या किया था अपने, हमने सिलेक्ट किया था ना, उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए तो हमें यहाँ पर जाके एक बार क्लिक करना है, जिस जगह पर आपको पेस्ट करना है उस जगह पे आपको एक बार जाना है, यानी उस जगह पे कर्सर को लेके जाना है। उसके बाद क्लिक एडिट मेनू, उसके बाद क्या करना है, वापस एडिट मेनू में जाना है और क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। समझ में आया सबको, वापस एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले कॉपी करने के लिए जो भी वर्ड को, जो भी जिसको भी हमें कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, उसको एक बार सिलेक्ट करो, उसके बाद एडिट मेनू में जाओ, कॉपी पे क्लिक करो, जिस जगह पर आपको चाहिए उस जगह पे कर्सर लेके जाओ, वापस एडिट, उसके बाद पेस्ट, तो क्या हो जाएगा, वो सेम लाइन आपको दूसरी बार लिखे बगैर ही दिखाई देगी, उसको हम कहेंगे कॉपी पेस्ट। दूसरा है कट पेस्ट, कट एंड पेस्ट। सिलेक्ट द टेक्स्ट, उसमें भी क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन एडिट मेनू, एडिट मेनू में जाना है, क्लिक ऑन कट ऑप्शन, उसमें कॉपी पेस्ट था तो हमने कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, इसमें कट पेस्ट है तो कट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गो टू द प्लेस वेर यू वुड यू लाइक द पेस्ट टेक्स्ट। अगर ये जो है कट
कट पेस्ट में क्या होगा बच्चों, जो ये लाइन है वो यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको नीचे चाहिए। तो ये विदाउट कुछ भी किए, लिखे बगैर, इरेज करने के बगैर, या आपको लिखे बगैर यहाँ पे चाहिए तो आप ले सकते हो, यहाँ से उठा के यहाँ पे आप रख सकते हो। कैसे? कट पेस्ट से। तो सिलेक्ट करो, एडिट करो और कट करो। कट करोगे तो आपको जो यहाँ पे जो ऊपर लाइन आपने लिखी थी वो लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। हो गई है ना यहाँ पे गायब। तो गो टू द प्लेस वेर यू वुड यू लाइक टू पेस्ट टेक्स्ट। जब जिस जगह पर आपको चाहिए उस जगह पे आपको कर्सर लेके जाना है। क्लिक ऑन एडिट मेनू, उसके बाद एडिट मेनू में क्लिक करो, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जहां पर आप कर्सर लेके गए हो, जहां पर आप पेस्ट करना चाहते हो, वहां पे वो लाइन पेस्ट हो जाएगी, वो वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद है यहाँ पे शॉर्टकट की, शॉर्टकट की है कट कॉपी पेस्ट सेव और ओपन की, ये आपको याद रखनी है। शॉर्टकट की का यूज करके आप कट कॉपी पेस्ट सेव और ओपन कर सकते हो। कॉपी का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, कट का है कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट का है कंट्रोल प्लस वी, सेव का कंट्रोल प्लस एस और ओपन का कंट्रोल प्लस ओ। उसके बाद है डिफरेंट बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट, दोनों में डिफरेंट क्या है। कॉपी कमांड सेव यू ऑल डेटा वेर कट कमांड लॉस योर डेटा। जो कॉपी कमांड है वो आपके डेटा जो है, पहले जो आपका डेटा है उसको सेव करता है, और जो कट कमांड है वो आपके जो पहला वाला डेटा है उसको लॉस कर देता है। कॉपी कमांड मेक योर कॉपी टू सिलेक्टेड टेक्स्ट वेर कट कमांड फंक्शन फिजिकली रिमूव सिलेक्ट द टेक्स्ट। जो कॉपी कमांड है वो आप सिलेक्ट करते हो उस कॉपी कमांड, कॉपी करने के लिए कुछ भी लिखा हुआ है उसको, तो वो सिलेक्ट किया हुआ वही क्या वही रहता है, वही ऐसे ही रहता है, और जब हम कट करेंगे तो फिजिकली वहां से वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फॉर्मेटिंग विथ नोटपैड। फॉर्मेटिंग विथ नोटपैड में हम करेंगे फर्स्ट चेंज फॉन्ट और दूसरा है चेंज फॉन्ट साइज। हम फॉर्मेटिंग चेंज में करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे और फॉन्ट की साइज है उसको हम चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज फॉन्ट इन नोटपैड, हम नोटपैड में फॉन्ट को चेंज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का फॉन्ट आते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। पहला है सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्या करना है उसमें हमें, अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो हमें जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गो टू फॉर्मेट मेनू फ्रॉम मेनू बार, और फॉर्मेट मेनू में, मेनू बार में जो है उसमें फॉर्मेट मेनू है उसमें जाना है, सिलेक्ट फॉन्ट फ्रॉम देयर, उसमें फॉन्ट जो है उसको हमें सिलेक्ट करना है। थ्री स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप सिलेक्ट करो जो भी, जिसको भी आपको, जिस जितने भी आपका लिखाआउट हुआ है उसको आप सिलेक्ट करो। उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाओ, उसके बाद फॉन्ट जो है ऑप्शन उस पे क्लिक करो। फोर्थ वाला स्टेप है चेंज द फॉन्ट नेम फॉन्ट फ्रॉम द गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको ऐसा बॉक्स दिखा, विंडो दिखाई देगा फॉन्ट का, उसमें फॉन्ट में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसमें से कुछ भी, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट करो। प्रेस ओके बटन टू अप्लाई सिलेक्टेड फॉन्ट, आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको स्टेप फाइव करना है ओके। तो आप क्या हो जाएगा, जो आपने फॉन्ट लिया है उससे वो चेंज हो जाएगा, दूसरा फॉन्ट आ जाएगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। वापिस एक बार कह देती हूँ, क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसमें फॉन्ट, फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा स्टेप फोर में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऐसा एक बॉक्स दिखाई देगा, उसमें स्टेप फोर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप कुछ भी जैसा आप चाहते हो वैसा फॉन्ट ले सकते हो, उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद ओके पर क्लिक करो, तो आपका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज इन नोटपैड। आप नोटपैड में फॉन्ट की साइज कैसे चेंज कर सकते हो, ये जो बड़े बड़े अक्षर है उसमें से आपको छोटे अक्षर चाहिए तो आप नोटपैड में कैसे कर सकते हो छोटे छोटे अक्षर। तो सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट, उसमें भी क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। गो टू फॉर्मेट मेनू फ्रॉम मेनू बार एंड सिलेक्ट फ्रॉम फॉन्ट फ्रॉम देयर, क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करो, फॉर्मेट मेनू में जाओ और उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करो।
फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वापस ये बॉक्स दिखाई देगा, चेंज द फॉन्ट साइज फ्रॉम द गिवन साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या करना है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो फॉन्ट की जो साइज है उसको चेंज करो एंड प्रेस ओके बटन अप्लाई टू सिलेक्टेड फॉन्ट। आपने जो सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको ओके बटन को प्रेस करना है। वापिस एक बार फॉन्ट चेंज करने की मेथड समझा देती हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट करो अपने जो भी फॉन्ट आपने जो भी लिखा है उसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट मेनू में जाओ, फॉन्ट पे क्लिक करो। उसके बाद ये जो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा उसमें साइज है, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से साइज आपको जो भी साइज चाहिए वो सिलेक्ट करो, उसके बाद ओके पर प्रेस करो। सामने है यहाँ पे आपको पेज में दिखाई देगा हाउ टू सेव फाइल, आप फाइल को कैसे सेव कर सकते हो। गो टू द फाइल मेनू, क्या करना है हमें, फाइल मेनू में जाना है। हमने अभी तक क्या कौन कौन से मेनू का यूज किया, एडिट और फॉर्मेट मेनू का यूज किया, अभी हम करेंगे फाइल मेनू का यूज। फाइल को सेव करने के लिए गो टू द फाइल मेनू, फाइल मेनू में जाएंगे, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सेव, उसमें हमें क्लिक करना है। ब्राउजर योर पाथ वेर यू वॉन्ट टू सेव योर फाइल, यहाँ पे ब्राउजर को आपको एक पाथ देना है कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है हमने, हमें जो भी है हमारा ब्राउजर में, हमें जो भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में हमें क्लिक करना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्लिक किया है। उसके बाद शो गिव योर फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम आपको लिखना है, कुछ भी फाइल नेम लिखना है, क्लिक ऑन सेव बटन और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। वापिस एक बार समझा देती हूँ सेव कैसे करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे जिस किसी भी फाइल को आप सेव करना चाहते हो, पहले फाइल पे क्लिक करो, उसके बाद सेव करने के बाद आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देगा सेव एज का, उसमें आपको जो भी जिस जगह पर आपको चाहिए सेव किया हुआ चाहिए वो पाथ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट किया हुआ है या सॉफ्टवेयर में चाहिए फाइल, तो वो पाथ सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम लिखना है हमें और उसके बाद स्टेप 5 है वो है हमें सेव का जो बटन है उसके ऊपर प्रेस करना है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे हाउ टू ओपन फाइल, आप फाइल को ओपन कैसे कर सकते हो। आपने सेव कर दी फाइल तो आपको वापिस वो फाइल ओपन करनी है तो कैसे करोगे। फाइल, गो टू द फाइल मेनू, क्लिक ऑन द ऑप्शन ओपन ऑप्शन, पहले फाइल मेनू में जाना है उसके बाद ओपन ऑप्शन पे जाना है। ब्राउजर योर पाथ वेर यू हैव टू सेव योर फाइल, आपने जिस जगह पर फाइल को सेव किया है वो ब्राउजर में से उस वो पाथ को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो वहां पे हमने सॉफ्टवेयर में फाइल को सेव किया था तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में वो पाथ ले लिया। उसके बाद सिलेक्ट योर सेव फाइल, जो आपने जो फाइल की लिखी थी वो उसका नाम तो आपको याद ही होगा, वो फाइल है उसको हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो स्टेप 4 में यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है, क्लिक ऑन ओपन बटन, उसके बाद ओपन बटन पे हमें क्लिक करना है। वापिस एक बार समझा देती हूँ, ओपन करना है फाइल को तो क्या करेंगे हम, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन, उसके बाद जो ब्राउजर है उसमें जिस जगह पर आपने सेव किया था वो पाथ को सिलेक्ट करो, उसके बाद जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी फाइल सेव की थी वो ओपन हो जाएगी। आज इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट किस कौन से मेनू में आएंगे, एडिट मेनू में। और उसके बाद पढ़ा हमने फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट की साइज चेंज करना और फॉन्ट चेंज करना सीखा, और सेव करना है फाइल और फाइल को ओपन करना भी सीख लिया। कट कॉपी पेस्ट जो है वो एडिट मेनू में हम कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट से हम करेंगे एक ही लाइन है उसको हम 2-3 बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। और कट पेस्ट है उसको हम कैसे करेंगे, जो हमारी वन लाइन है वो एक जगह से हमें दूसरी जगह पर लेके जानी है तो हम कट पेस्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग नोटपैड में हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग नोटपैड में हमने फॉन्ट साइज को चेंज किया, कहाँ से, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट और उसके अंदर जो फॉन्ट है उसको चेंज करके ओके करना है। और ऐसा ही करना है हमें सेम
हमें अगर टेक्स्ट को हमारे फॉन्ट की जो साइज है उसको हमें चेंज करना है तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट और उसमें फॉन्ट की साइज चेंज करके ओके सेव करनी है फाइल तो किसमें जाना है फाइल मेनू में और सेव ऑप्शन और उसमें पाथ सिलेक्ट करके फाइल का नेम लिख के सेव और ओपन करनी है वही फाइल तो हमें फाइल मेनू में ओपन पाथ सिलेक्ट करके फाइल में जो फाइल जो है उसको हमें क्लिक करनी है और उसके बाद हमें ओपन पर क्लिक करना है। हमारा आगे है यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेटिव एक्सेसरीज में विच इज सॉफ्टवेयर इज यूज टू सिंपल टेक्स्ट एडिटर कौन सा सॉफ्टवेयर है उसका हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर में यूज करेंगे नोटपैड हम यहाँ पे करेंगे टिक। दूसरा है विच इफेक्ट वी कैन अप्लाई ऑन फॉन्ट इन नोटपैड हमें अगर फॉन्ट को अप्लाई करना है नोटपैड में तो हम फॉन्ट की इफेक्ट वी कैन अप्लाई ऑन फॉन्ट इन नोटपैड तो हमें क्या करना है फॉन्ट की इफेक्ट को हमें नोटपैड में अप्लाई करना है तो फॉन्ट साइज आएगा हमें फॉन्ट साइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है तीसरा विच मेथड इज यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ टेक्स्ट अगर आपको एक की लाइन की तीन चार कॉपी चाहिए तो आप क्या करोगे कट पेस्ट करोगे पेस्ट करोगे या कॉपी पेस्ट करोगे आंसर में आएगा कॉपी पेस्ट। हाउ मेनी वे आर देयर टू ओपन नोटपैड अगर आपको नोटपैड को ओपन करना है तो उसकी कितने वे है कितने तरीके है दो तरीके है या तो आप डायरेक्ट आइकन से ओपन कर सकते हो या तो आप स्टार्ट बटन से ओपन कर सकते हो। विच मेथड इज यूज टू बोथ कट एंड कॉपी मेथड कौन सी मेथड है वो कट और कॉपी मेथड दोनों में यूज होती है पेस्ट आंसर में आएगा पेस्ट कट पेस्ट होता है और कॉपी पेस्ट होता है कॉपी और पेस्ट में दोनों में मेथड यूज होती है पेस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स में है नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट द ब्लैंक कंटेन नेम ऑफ द नोटपैड फाइल जो यहाँ पे है द कंटेंट जो नोटपैड फाइल का नेम हम कहाँ देख सकते हैं टाइटल बार में हम लिखेंगे यहाँ पे TITLEBAR टाइटल बार देर आर कंट्रोल बटन ऑन टाइटल बार कितने कंट्रोल बटन होते हैं थ्री कंट्रोल बटन ऑन टाइटल बार ब्लैंक इज यूज टू मूव द लोकेशन ऑफ सिलेक्टेड फाइल हमारी जो फाइल है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हैं तो कट हम यहाँ पे लिखेंगे कट मिनिमाइज बटन टू ब्लैंक द नोटपैड विंडो मिनिमाइज बटन है वो मिनिमाइज द नोटपैड विंडो जो है उसको मिनिमाइज करता है तो हम लिखेंगे MINIMIZE मिनिमाइज ओके। उसके बाद है ब्रेन बूस्टर में मैच द फॉलोइंग हमें शॉर्टकट कीज को मैच करना है कॉपी है कॉपी में क्या आएगा कंट्रोल प्लस सी हम कॉपी को या कंट्रोल प्लस सी के साथ मैच करेंगे कट में आएगा कंट्रोल प्लस एक्स पेस्ट में आएगा कंट्रोल प्लस वी ओपन में कंट्रोल प्लस ओ और सेव में कंट्रोल प्लस एस ओके ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। उसके बाद है कंप्लीट द वर्ड ये जो वर्ड है उसको हमें कंप्लीट करना है यहाँ पे हिंट है उसका यूज भी करना है यहाँ पे आप देख सकते हो ई यहाँ पे हम लिखेंगे DITOR EDITOR एडिटर यहाँ पे डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट यहाँ पे थर्ड डेस्कटॉप DESKTOP बटन BUTTON प्रोग्राम PROGRAM उसके बाद यहाँ पे है नोटपैड NOTEPAD यहाँ पे आप देख सकते हो WINDOW क्लिक CLICK कमांड COMMAND ऑप्शन OPTION ऑप्शन ओके यहाँ पे जो हिंट है उसका यूज करके हमें ये वर्ड को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रो द कंट्रोल बटन एंड राइट डाउन द यूजेस मिनिमाइज बटन हमें ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले ऐसे
बॉक्स बनाएंगे और उसमें मिनिमाइज बटन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके। मिनिमाइज का बटन का यूज होगा टू यूज, सॉरी टू मिनिमाइज द नॉट पैड विंडो। उसके बाद दूसरा जो है मैक्सिमाइज बटन ड्रॉ करना है, हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे और उसके अंदर मैक्सिमाइज बटन ड्रॉ करेंगे, ओके ऐसे, और उसका यूज लिखेंगे हम टू मैक्सिमाइज द नॉट पैड विंडो। उसके बाद है क्लोज बटन, हमें क्लोज बटन को ड्रॉ करना है। हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे और क्लोज बटन ड्रॉ करेंगे ऐसे क्रॉस, लिखेंगे टू क्लोज द क्लोज द नॉट पैड विंडो, ओके। उसके बाद है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ गिवन नोटपैड विंडो, आपको जो पार्ट है नोटपैड विंडो के वो आइडेंटिफाई करना है। उसमें सबसे पहला है ये जो पार्ट है वो है टाइटल बार, हम यहाँ पे लिखेंगे टी आई टी एल ई बार बी ए आर, यहाँ पे कंट्रोल बटन सी ओ एन टी आर ओ एल बी यू डबल टी ओ एन, और यहाँ पर है मेनू बार M E N U B A R, और यहां पर लिखेंगे वर्कस्पेस W R K S P A सॉरी वर्क एरिया, वर्कस्पेस और वर्क एरिया दोनों लिख सकते हैं, वर्क A R E A वर्क एरिया, ओके समझ में आया बच्चों। ये टाइटल बार है, कंट्रोल बटन है, मेनू बार है और ये वर्क एरिया। आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।